हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे नेम दिए गए हैं और अलग अलग इनके पोस्ट हैं और इनकी सैलरी भी है। अगर आपको इसमें डेटा फेच कराना हो, अब देखिए किस तरह का डेटा फेच कराना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें से मैनेजर जो है, अब ये तो एक मैनेजर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर और भी लोग मैनेजर्स के नाम, अगर जो मैनेजर का पोस्ट जिनका होगा उनका नाम यहाँ पे अगर लिखा हो, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ पे फिर मैं नेम चेंज करूंगा, ठीक है। बाकी पोस्ट तो वही रहेगी, तो यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, हीना लिख देता हूँ, तो ये नेम हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं, एक पोस्ट कई बार रिपीट हुई है और ये कई बार और रिपीट हुई हो, तो ऐसे में एक एक करके सेलेक्ट करके लेके आना यहाँ पर थोड़ा कठिन काम है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है फिल्टर का, तो यहाँ पर लगाइए फिल्टर का फॉर्मूला। और फिल्टर का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है एरे, तो एरे हमारा क्या है, ये पूरा ही हमारा क्या है, एरे है, ठीक है। तो इस पूरे डेटा को करना है सेलेक्ट, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं मैनेजर की, ठीक है। तो ये मैनेजर सेलेक्ट किया और इज इक्वल टू मैनेजर मिलेगा कहाँ, तो यहीं पे तो मिलेगा मैनेजर, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया और इसको बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे तो जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी और उनका पूरा डिटेल निकल करके आया है, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर मैनेजर को नहीं देखना था, किसी और को देखना था, ठीक है। तो यहाँ वापस से मैं फिल्टर लगा लेता हूँ, मैनेजर का तो डिटेल आ गया, आप चाहे तो इसको इरेज कर सकते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पर बात की जाए किसी और चीज़ की, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए किसी और चीज़ की बात की जाए, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ड्रॉपडाउन भी लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ड्रॉपडाउन कैसे बनेगी, यहाँ पर डेटा टैब पर जाके और यहाँ डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे, ये आ गया डाटा वैलिडेशन पर, और यहाँ से वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। कौन सी रेंज सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जा करके और ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, बस यहाँ से ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आ गया है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। इसे मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं FILTER फिल्टर फॉर्मूला, तो ये लगा लिया और ये पूरा एरे सेलेक्ट किया, और एरे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया, कॉमा देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कहाँ पर, यहाँ पर ये जो येलो कलर से हाईलाइट किया यहाँ पर, वही चीज हमें चाहिए। तो यहाँ पे कैल्क नाम का एरर आएगा, तो ये एरर क्यों आता है, यहाँ पर इसको जब आप सेलेक्ट कर लेंगे ना कैशियर मैनेजर, तो ये पूरी डिटेल आएगी। तो कैशियर तो एक ही आदमी है जिसका पूरा डिटेल आ रहा है, अगर यहाँ से आप चेंज करते हैं अकाउंटेंट करते हैं, तो जितने लोग अकाउंटेंट होंगे उनकी पूरी डिटेल आएगी, देखिए यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। असिस्टेंट मैनेजर करेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर की डिटेल आएगी, ठीक है। यहाँ से जो भी चेंज करेंगे वो होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट कर दिया, फिर देखिए अकाउंटेंट वाली पूरी डिटेल आ रही है कि नहीं, क्लियर है, ओके।